गलत है, ये काला है, तो उनसे काला पूछते हैं तो वो काला नहीं बता पाते हैं, तो ओनली फॉर मोदी विरोधी है बस। और जो थोड़ा सा अशिक्षित है वो एक ही चीज़ रखता है पेल के कि नहीं काले 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 काले। राकेश टिकैत जी के पिताजी कह रहे थे, महेंद्र टिकैत जी। नमस्कार, मैं स्वागत करूंगा कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम किसानों के बीच जाती है, उनके मुद्दे हैं, उनकी जो मांगे हैं उनको दिखाती रहती है। कई बार हमारे सामने कुछ ऐसी शख्सियत आती है जिनको हम बहुत कम चैनल्स पर मीडिया में देखते हैं, लेकिन हम उनको आपके सामने लाते हैं क्योंकि उनकी आवाज़ भी आप तक आनी चाहिए। और इसी क्रम में आज हम अंबाला के भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी हैं वीरेंद्र कुमार गोगा राणा। गोगा राणा जी हमारे साथ है, सबसे पहले स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। जी नमस्कार जी, कंचन टीवी वालों को, न्यूज़ वालों को व मेरे सभी किसान भाइयों को गोगा राणा की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल जी। राणा जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे भारतीय किसान यूनियन के साथ कब से आप जुड़े हुए हैं? सर मैं 2011 में पेंशन आया था आर्मी से जी, और उसके बाद मैं नरपत राणा, आज से 2 साल पूर्व पहले ही मैं नरपत राणा जी से जुड़ा हूँ, और जब से ही मैं किसान यूनियन में काम कर रहा हूँ किसानों के लिए। जो उनके दुख दर्द हैं या कोई छोटा मोटा काम है तो हम एकत्रित होकर संगठन उनके लिए काम करता है किसानों। तो आप मिलिट्री में थे, एक फौजी हैं, क्या वजह रही कि फौज में आने के बाद आपने सीधा भारतीय किसान यूनियन को ज्वाइन किया, वजह क्या थी? सर काफ़ी दिक्कतें थी इसमें, जैसे कि आया मैं, देखा मैंने और मंडी में गए, मंडी में किसानों का अनाज को ज़्यादा तोला जा रहा है, उसका कोई सिस्टम नहीं, किसान खड़ा है वो बेचारा देख रहा है, उसी से काम करवा रहे किसान से, और वही उसी का अनाज को फालतू तोला जा रहा है। मेरे को बड़ा हार्टली दुख लगा सर, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। तो आपको लगा कि किसी संगठन से स्टार्टिंग में आवाज़ बुलंद जी करनी जी चाहिए। जी मैं अकेला भी बोल रहा हूँ तो अकेले को, मेरे को अकेले में देखो, अकेला तो चना कोई पहाड़ नहीं फोड़ सकता है, ठीक है जी। मेरे को बहुत दुख आया, कई जगहों पर गया मैं, जैसे तहसील वगैरह में भी गया, वहाँ की किसान की बड़ी बेकदरी हो रही है हर जगह। वो बेचारा थोड़ा सा शिक्षित क्या नहीं हुआ, तो शिक्षित किसान भी हैं जी, वो जो MA BA पढ़े हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। परेशान मतलब एक टेक्निकल तामझाम में उनको एक सिस्टम में उलझा दिया जाता है। चलिए, आपने कहा कि आपको बेकदरी अन्नदाता की जो थी उससे बड़े आहत हुए और आपने संगठन ज्वाइन किया कि मजबूती के साथ आप उनकी आवाज़ उठा सकें। संगठन में जब आए तो उसके बाद किस तरह से आवाज़ उनकी बुलंद कर पाए, कौन कौन से फ़ायदे किसानों को पहुँचा पाए हैं गोगा राणा जी? सर सबसे पहले तो हम मंडी में गए, वहाँ पे घोटाले देखे हमने, SDM साहब को बताया, SDM साहब ने DC को बताया, और वो कुछ एक मतलब 50% फ़र्क लगा उसमें, तोल में तोलना बहुत ज़्यादा था, और हमको देख के वे पूरे 38 लोग इकट्ठे हो जाते थे जी। नंबर दो ही मेन है मेरी तरफ से, तो बाकी छोटे छोटे तो और भी बहुत हैं। शुगर मिल में गए, नारायणगढ़ शुगर मिल बनौंदी है, तो वहाँ पे भी एक 4 किले वाले का बॉन्ड है जो वो मतलब 24 लाख समथिंग रुपए का गन्ना डाल रहा है उसमें जी। तो बड़ा उसमें आहत पहुँचा, जबकि मेरे पास लिस्ट भी है, RTI भी लगाई हुई है, हमने सत्य के तथ्यों पे हम चले हैं, ठीक है जी। वहाँ पे बड़ा दुख आया, एक आदमी को पर्ची मिल रही है, एक आदमी को नहीं पर्ची मिल रही, तो सरकार ने उसके बाद वहाँ पे पिछले साल 2 बंदे अपनी तरफ से नियुक्त किए शुगर मिल में, तो हम भी जैसे किसान सुधार कराएंगे वहाँ पर। तो सुधार हुआ आपके आवाज उठा देने के बाद? हाँ सर, 75% सुधार हुआ, उससे हम बहुत अस्वस्थ हैं, बिल्कुल बहुत खुश हैं जी, बिल्कुल खुश हैं। अब किसान आंदोलन तकरीबन 7 महीने से चल रहा है, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? इसको लेकर तो देखो जी, मैं तो साफ सिद्ध ये कि मैं तो फौजी आदमी हूँ और बहुत दूर घूम के आया हूँ, मैं तो यही कहता हूँ कि ये जो 3 कृषि कानून हैं इनमें अभी आप ले लो गन्ने का है जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जी, गन्ने का जी। एक कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं उसका और बॉन्ड बना देते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जी, ठीक है जी। दूसरा बात है APMC मंडी है, इसके तहत जो किसान, जो राकेश टिकैत जी के पिताजी कह रहे थे, महेंद्र टिकैत जी, कि ये मंडी फ्री होना चाहिए, मतलब जी। मंडी को इसका निरस्तीकरण किया जाए जी।
वो कह रहे थे पर अभी मानने के लिए तैयार नहीं। मैं वही सीधे स्पष्ट से शब्दों में गोगा जी आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, जो किसान आंदोलन हो रहा है क्या सही है क्या गलत है? सर देखो मेरा तो ये मानना है ये तो ओनली फॉर मोदी विरोधी है बस। मैं बहुत आदमियों से सर्च किया है जी, बस हर आदमी एक ही बात कहता है कि मोदी विरोधी है ये कानून, की मोदी अच्छे काम कर रहा, 370 उसने हटा दी, ये 3 कृषि का कानून लिया है हमारे लिए, और एक वो 3 तलाक और जनसंख्या नियंत्रण कानून, ऐसे ऐसे मतलब उन्होंने जो पास किए हैं कानून। तो हर आदमी से पूछता हूँ मैं गली गली मोहल्ले जाके फ़ोन पे भी कि भाई मेरे को भी बता दो ताकि मैं भी पत्रकार बंधुओं से बोल सकूँ कि इसमें काढ़ा क्या है। जब आप किसानों के बीच जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि ज़्यादातर किसान क्या कहते हैं कि जो कानून लेकर आए हैं वो सही है गलत है? सर मेरी तरफ से तो और किसानों की तरफ से तो मेरे को तो जितने मिले हैं किसान तकरीबन उसमें से यदि 100 मानेंगे 100 किसान मेरे को मिले हैं तो उसमें 15-20 किसान ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि ये गलत है ये काला है, तो उनसे काला पूछते हैं तो वो काला नहीं बता पाते हैं, बस इस बात का मेरे को दुख है। मतलब 80% आश्वस्त हैं 20% कहते हैं कि गलत है और वो 20 भी वजह नहीं बता पाते हैं कि क्या है इसमें काला और कैसे है। बोले वो हमारी ज़मीन खोस लेंगे, अरे मेरे को ये तो बताओ ज़मीन कौन खोस लेंगे, शुगर मिल वाले ने आज आपका बॉन्ड कर दिया है, उसका आपका गन्ना लिख दिया कि 500 क्विंटल इसमें से गन्ना निकलेगा, और वो तो वो कैसे ज़मीन खोस लेगा एक बॉन्ड बनाने से? सिर्फ उपज तक ही सीमित है जी, उपज तक। राणा जी जब आप लोगों को जब आप लोगों 20% लोग जब आपके सामने किसान आपके सामने आते हैं तो क्या उनको समझा पाने में कामयाब रह पाते हैं? सर काफ़ी हद तक मैं डिबेट करता हूं उनसे, और जो भी है आजकल हर आदमी के पास गूगल है, गूगल में सर्च करो और आप देखो 3 कृषि कानून लिख के देखो, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ उसमें से देखो कोई शिक्षित है इंसान है वो जल्दी पकड़ जाता है, और जो थोड़ा सा अशिक्षित है वो एक ही चीज़ रखता है पेल के कि नहीं काले 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 काले, फिर भी हम उनको बहुत कोशिश करके समझाते हैं। बिल्कुल, मैं अब चाहूँगा कि कंचन टीवी के माध्यम से जो किसान भाई अभी सुन रहे हैं उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे, कैसे उनको समझाना चाहेंगे? मैं सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि ये कृषि कानून पढ़िए इसको, ये गंगा जल की तरह पवित्र है, और आप इसमें काला काला देखो, काला फेसबुक पे डालो कि काला क्या है, हर न्यूज वाले को बताओ, एक स्पष्टीकरण दो उसमें। बाकी सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार और कंचन टीवी वालों को मेरी तरफ से नमस्कार, क्योंकि आप सभी दर्शकों से मिलने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद, जय किसान जय जवान। तो आपने सुना ये थे गोगा राणा जी जो कहते हैं कि काला कुछ नहीं है, काला वो काला नहीं कहते, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं, बहुत सारे ऐसे नेता जो अब भी इसको काला कहते हैं। हम उन तक भी जाएंगे, उनकी बात भी आपके सामने रखेंगे। उसके लिए आपको करना ये है कंचन टीवी, आपको कंचन टीवी को सब्सक्राइब करना है और हमारे वीडियोज़ को आप लगातार देखते रहिएगा। बहुत सारे नेताओं से हम बात करते हैं, राजनीतिक हैं चाहे वो किसानी से जुड़े नेता हैं, आपको मिलाते रहते हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस सारे मुद्दों पर आपसे चर्चा हम लगातार करते रहें, अलग अलग लोगों को चाहे वो पक्ष के हैं चाहे वो विपक्ष के हैं आपके सामने लाते रहें। तो बने रहेगा कंचन टीवी के साथ, मैं यशपाल कंचन, कंचन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए।